Hello guys, welcome to the course of Operating System series of lectures. Today our topic of discussion is file allocation methods. इसके पहले के videos में जैसे हमने file allocation method के अलावा file access methods देखे थे और बाकी चीजें files के related, file system के related हमने देखी हैं. So it's time to discuss about the file allocation methods. So let's start with the file allocation methods. First of all, objectives. Objectives को भी देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि file allocation method मतलब क्या है कि हमारे पास एक disk है. डिस्क के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं फाइल्स को स्टोर करने के लिए. तो वो फाइल्स उस डिस्क के ऊपर कैसे एक्सेस स्टोर रहेंगे, उसके बाद उसको कैसे एक्सेस किया जाए, इसके बारे में कहीं ना कहीं ये मेथड्स को ऑब्जेक्टिव हमारे पास अवेलेबल है. हम यहाँ पर बोलेंगे मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर वन है टू मैनेज द स्पेस ऑन डिस्क. तो डिस्क जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है उसके ऊपर जो स्पेस है, जैसे फ्री स्पेस मैनेजमेंट जो उसको बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम मैनेज करने के लिए सो दैट इफिशियंट डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन हो. तो कहीं ना कहीं ये पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे फाइल एलोकेशन मेथड का. और दूसरा है टू सपोर्ट द फास्ट एक्सेस ऑफ द फाइल्स, मतलब फाइल के जो ब्लॉक्स है उसको कहीं ना कहीं या फाइल्स को फास्ट एक्सेस मिले, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है. जनरली कभी कभी कुछ लिटरेचर्स में उसको कहीं ना कहीं फ्री डिस्क मैनेजमेंट या डिस्क एलोकेशन मेथड्स भी कहा गया है. यहाँ पर इस वीडियो में हम उसको नॉमेनक्लेचर फाइल एलोकेशन मेथड के बाद है ऐसा वहाँ पे दिया हुआ है. नाउ दोनों में अगर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें एक ही है. यहाँ पर हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द डिस्क स्पेस इफेक्टिवली थ्री एलोकेशन मेथड्स आर अवेलेबल विच आर एज बिलो. वेरी फर्स्ट इज अ कॉन्टिगस एलोकेशन, थर्ड इज अ लिंक्ड एलोकेशन एंड सेकंड इज अ लिंक्ड एलोकेशन एंड थर्ड इज अ इंडेक्स एलोकेशन. ये तीन एक्सेस मेथड या थ्री फाइल एलोकेशन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि डिस्क की फ्री स्पेस को या डिस्क की स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहली मेथड देखने वाले, दैट इज व्हाट द कंटिगस एलोकेशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटिगस एलोकेशन मेथड गाइस. इन कंटिगस एलोकेशन मेथड आल्सो कॉल्ड एज डायनामिक एलोकेशन, इन दिस मेथड ईच फाइल ऑक्युपाइज अ सेट ऑफ कंटिगस ब्लॉक ऑन द डिस्क वेयर द डिस्क एड्रेस डिफाइन द लीनियर ऑर्डर ऑन डिस्क. अब ये लीनियर ऑर्डर मतलब क्या कि एक के बाद एक, जब कभी भी एक आधा काम स्टार्ट हो रहा है एक जगह पोजीशन एक ब्लॉक किसी को असाइन हो रहा है, तो उसके बाद जो दूसरा है उसी फाइल को मिलने वाला है, तीसरा है उसी फाइल को मिलने वाला है. मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग उस पर्टिकुलर फाइल को कहीं ना कहीं मिलने वाली है, मतलब उसकी रेंज यहाँ पर डिफाइंड रहेंगी. जैसे कोई हम जब कोई बैठने जाए कहीं थिएटर में जाए तो कहीं ना कहीं सिक्वेंशियली अगर हम बैठे रहे तो कहीं ना कहीं सिक्वेंशियली हम बैठे जाएंगे, कंटिन्यूस लोकेशन में होंगे, कोई बीच में कोई भी स्पेस छोड़ेंगे नहीं, जैसे क्लास में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं स्टूडेंट जैसे. सेकेंड पॉइंट, लीनियर ऑर्डर एक्सेस द ब्लॉक बी प्लस वन आफ्टर द ब्लॉक बी नॉर्मली. मतलब क्या कि अगर एक बी नंबर ऑफ ब्लॉक अगर किसी ने यूज एक्सेस किया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बी प्लस वन ही उसे एक्सेस करना चाहिए और उसके लिए वही एलोकेट होने वाला है. यहाँ पर ये उसका लॉजिक है. इन दिस केस हेड नीड्स ओनली टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू नेक्स्ट, सो नंबर ऑफ डिस्क सीक रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेसिंग कंटिन्यूसली एलोकेटेड फाइल इज मिनिमम. मतलब क्या इस लोकेशन में इस फाइल एलोकेशन मेथड का अगर हम यह फायदा देखें तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक के पॉइंटर के ऊपर अगर है तो उसके बाद हमें कहीं ना कहीं सीक टाइम कम लगने वाला है क्योंकि उसके इमीडिएट हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाने वाला है. तो ये सिक्वेंशियल में जाएंगे तो उस नेक्स्ट ब्लॉक को कहीं ना कहीं रीड करने के लिए हमारे पास मिनिमम टाइम लगने वाला है. दिस इज व्हाट द पॉइंट. अब इसकी वर्किंग अगर देखते हैं तो वर्किंग को कंसिडर करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एक फाइल एलोकेशन टेबल को कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टरी को कंसीडर करना पड़ेगा, और दूसरा हमारे पास डिस्क है. इस डायरेक्टरी में क्या क्या अवेलेबल है, वी रिक्वायर टू हैव अ फाइल नेम, वी रिक्वायर टू हैव अ स्टार्टिंग ब्लॉक ऑफ द फाइल एंड वी ऑल्सो रिक्वायर टू लेंथ ऑफ द फाइल. ओके, और यहाँ पर डिस्क में जो हमारे पास ब्लॉक्स पड़े हुए हैं फाइल्स के रिलेटेड, जीरो से लेकर हमने 23 के यहाँ तक ब्लॉक दिखाया है, मतलब जीरो एक स्टार्टिंग इंडेक्स है, कोई भी ब्लॉक से हम स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज. बट यहाँ पे डायरेक्टरी में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी में चार फाइल्स है, F1 है, F2 है, F3 एंड F4. तो F0 की अगर हम बात करते तो फाइल या F1 मतलब फाइल वन उसको नॉमिनक्लेचर देखते हैं, फाइल वन का जो स्टार्टिंग ब्लॉक है वो जीरो है और उसकी लेंथ है 3. मतलब 0, 1, 2 यहाँ पर ये तीन ब्लॉक जो रहेंगे इस पर्टिकुलर फाइल वन को मिलेंगे. तो यहाँ पर हमने डिस्क के ऊपर देखिए कि फाइल वन को 0, 1, 2 ये तीनों ब्लॉक यहाँ पे असाइन कर दिए हैं कंटिन्यूस में. मतलब जिस पोजीशन पे वो स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, तो स्टार्टिंग ब्लॉक अवेलेबल होने के बाद असाइन होने के बाद उसके बाद कंटिन्यूस एलोकेशन में हम आगे जाएंगे. ऐसे अगर बात करते हैं फाइल टू की, तो फाइल टू का स्टार्टिंग पोजिशन है 9
या फिर हम ट्रेडमार्क कर देते, 9 से उसकी लेंथ है 3, सो 9, 10 और 11 ये तीन ब्लॉक यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल्स को मिले, एलोकेट हुए ऑन द डिस्क। उसके बाद फाइल 3 16 से दिखा रहा है, 16 को उसकी लेंथ है 3 की, तो 16, 17, 18 ये तीन ब्लॉक्स उसको मिल गए। ऐसे ही फाइल 4 है जिसका स्टार्टिंग ब्लॉक है 20 और उसकी साइज है लेंथ व्हाट इज व्हाट द 4, ओके, सो 20, 21, 22 एंड 23 ये कंटिगस ब्लॉक्स उस पर्टिकुलर फाइल्स को मिले हैं। यहाँ तक हमने पहली पोजीशन दे दी। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास इस वर्किंग में यहाँ पर हमें कंटिगस ब्लॉक्स उस पर्टिकुलर चीज को मिले। नाउ हियर देयर डायरेक्टरी कंटेंट ऑफ आईफोल, जैसे मैंने एक्सप्लेन करवाया, सिमिलरली फाइल F2, F3, F3 हैव, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। आई होप गाइस कि ये जो आपको जो डायग्राम है ये समझी होंगी, जिसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोई भी ब्लॉक्स अवेलेबल हमारे पास, मतलब अवेलेबल है और फ्री स्पेस में, तो उसको कहीं ना कहीं फाइल के डायरेक्टरी के टेबल के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं उस फाइल को यहाँ पर स्टोरेज करने के लिए, एलोकेट करने के लिए ब्लॉक मिल रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट द वर्किंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस गाइस। द सिक्वेंशियल एक्सेस, द कंटिग्यूअस एलोकेशन सपोर्ट सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफ द फाइल ब्लॉक वेयर फाइल सिस्टम नीड टू रिमेंबर डिस्क एड्रेस ऑफ लास्ट रेफर्ड ब्लॉक एंड देन व्हेन नेसेसरी रीड द नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब कहीं ना कहीं सिक्वेंशियल एक्सेस यहाँ पर हो रहा है, मतलब ये एक ब्लॉक जो हम अभी रीड कर रहे थे उसके पहले जो का ब्लॉक क्या था उसको रिमेंबर करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्वेंशियल एक्सेस हमारे पास फास्ट है, तो ये मेथड फास्ट हो सकती है। इजी डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस इजी क्यों है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू रीड द एंड ब्लॉक फ्रॉम द डिस्क इफ द ब्लॉक बी स्टार्टिंग ऑफ फाइल देन B+1 कैन बी इमीडिएटली एक्सेस इन दैट सेंस। मतलब डायरेक्ट एक्सेस कौन, इजी डायरेक्ट एक्सेस कौन से सेंस में कि अगर एक आधा ब्लॉक हमें पता है तो उसके बाद का जो ब्लॉक है उस सेंस में डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर फाइल। वी गेट एक्सेलेंट रीड परफॉर्मेंस, यहाँ पे अगर कोई भी जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्योंकि सिक्वेंशियली या कंटिन्यूअसली एलोकेटेड है, तो कहीं ना कहीं रीड परफॉर्मेंस जो है इसका बहुत ही एक्सेलेंट है क्योंकि सीरीज में ऐसे कंटिन्यूअसली वो कहीं ना कहीं रीड करते जा रहा है, मतलब फास्ट एक्सेस यहाँ पे हो रहा है। सो देयर आर 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल एलोकेशन मेथड, बट देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस गाइस। वेरी फर्स्ट इज व्हाट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंट। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन नथिंग बट द अनयूज ऑफ स्पेस और वेस्टेज ऑफ स्पेस। द स्पेस इज अवेलेबल, स्पेस अवेलेबल होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो अनयूज रहती है, तो उसको बोला गया है फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक्सटर्नल, जैसे फ्रेगमेंटेशन के दो टाइप्स है, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अभी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जनरली हमारे पास जो डायरेक्टरी और जो डिस्क हमारे यहाँ पास अवेलेबल है, तो इस पर्टिकुलर हम डिस्क में अगर जाएंगे तो यहाँ पर 0 से लेकर 23, मतलब 24 ब्लॉक्स अवेलेबल थे। उसमें से कुछ ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी अलोकेटेड हुए किसी फाइल को, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ये सारी चीज यहाँ पर अलोकेट हो गई। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे फ्री स्पेस, तो 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे 11 ब्लॉक जो है वो फ्री है। लेकिन ये जो 11 ब्लॉक फ्री जो है वो कंटिग्यूस मैनर में नहीं है, मतलब पहली बार देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1, 4, 2, 6 फ्री है, उसके बाद कहीं ना कहीं 4 कंटिग्यूस फ्री है, उसके बाद एक ही कंटिग्यूस फ्री है। तो 11 ब्लॉक हमारे पास होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं, हमारे पास अगर एक आधी रिक्वायरमेंट आती, लेट्स से कि कंटिग्यूस एलोकेशन मे सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एज इट रिक्वायर्ड ओनली कंटिग्यूस ब्लॉक ऑफ द टू स्टोर द फाइल। ओके, मतलब क्या कंटिग्यूस ब्लॉक ही चाहिए, मतलब 11 ब्लॉक अवेलेबल है और मेरी रिक्वायरमेंट, अभी मान के चलो कि मेरे पास अभी एक फाइल है, लेट्स टेक अबाउट द फाइल फाइव, और उसको स्टार्टिंग ब्लॉक हम कहीं पे देना चाहेंगे और उसको लेंथ उसकी है 7 ब्लॉक की, उसको रिक्वायरमेंट कितनी है 7 ब्लॉक की, टोटल हमारे पास फ्री ब्लॉक कितने हैं 11, फ्री ब्लॉक कितने हैं 11 और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 7 की, फिर भी हम इस पर्टिकुलर अलोकेशन मेथड में इस फाइल 5 को कहीं ना कहीं अलोकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 7th ब्लॉक को हम डालना चाहेंगे, यहाँ पे 3 अगर स्टार्टिंग बिट पोजीशन या स्टार्टिंग ब्लॉक कंसिडर करते भी है, तो कहीं ना कहीं 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो है हमारे पास है सिर्फ 6 ही ब्लॉक की है, ये जो है हमारे पास 6 ब्लॉक की है, यहाँ पर भी नहीं इंसर्ट कर सकते। उसके बाद 12, 13, 14 यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव है, यहाँ पर भी इंसर्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद ये 19 वाला है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे इंसर्ट नहीं करवा सकते। मतलब क्या कि जो हमारे पास फाइल 5 के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है 7th लेंथ की, तो हमारे पास कंटिग्यूस स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम उसको कहीं ना कहीं
हमारे डिस्क में उसको अलोकेटेड नहीं कर सकते, और वो जो स्पेस है 11 ब्लॉक की वो कहीं ना कहीं अनयूज रहेंगी, एंड दैट इज व्हाट द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दैट इज व्हाट द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मतलब स्पेस इज अवेलेबल बट दैट स्पेस इज नॉट इन अ कंटिग्यूअस फैशन, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। उसका दूसरा एडवांटेज देखते हैं, इट टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, मतलब क्या कि टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी क्यों है कि कहीं ना कहीं हमारे पास स्टार्टिंग मतलब डायरेक्टरी में फाइल नेम स्टार्ट ब्लॉक और लेंथ उसको देखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग ब्लॉक देखने के बाद एक एक के बाद एक एक कहीं ना कहीं उसको अलोकेट करते जाएंगे, दिस इज अबाउट द टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। देन एज कंटिन्यूअस अलोकेशन बेस्ड ऑन द सीक्वेंशियल एक्सेस, इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस द एंड ब्लॉक, मतलब एक आधा रैंडम ब्लॉक मुझे एक्सेस करना है तो कहीं ना कहीं मान के चले कि आई हैव टू गो टू द लेट्स से एनी 23 ब्लॉक्स, तो 23 ब्लॉक तक मैं कब पहुंचूंगा, जब मैं 20th ब्लॉक पे हूँ, तो 20 के बाद 21, 22 एंड देन 23, मतलब टाइम 3 और टाइम 4 T4 टाइम तक मुझे वेट करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं हमें इतना समय वेट करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। उसके बाद का जो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस है, द नीड ऑफ कॉम्पेक्शन, तो ये कॉम्पेक्शन टेक्निक मतलब क्या होती है कि जो हमारे डिस्क के ऊपर जो अनयूज या अंडर या अनयूज ब्लॉक्स है, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर 11 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक हमारे पास फ्री है, ये है स्कैटर्ड, ये है स्कैटर्ड। तो ये कॉम्पेक्शन टेक्निक में क्या होता है कि ये जो स्कैटर्ड अनयूज ब्लॉक्ड है उसको एक जगह लाके कहीं ना कहीं कंटिगस स्पेस को क्रिएट किया जाए। तभी यहाँ पे क्या होगा, दो टेक्नोलॉजी दो चीजें हो सकती है, यूज स्पेस को शिफ्ट किया जाए या अनयूज स्पेस को शिफ्ट किया जाए। तो जनरली हम यूज स्पेस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 9 10 11 वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर तो 3 4 5 6 में आ जाएंगे उसके पास, और ये फाइल 2 के हो गए, फाइल 3 को भी ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, फाइल 4 को भी ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ब्लॉक कंटिन्यूसली ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे जो अलोकेटेड है, और उसके बाद 13 के बाद जो रिमेनिंग जो हमारे पास ब्लॉक्स है मान के चलो 11s, तो 11 कंटिन्यूस ब्लॉक्स कहीं ना कहीं हमारे पास फ्री हो जाएंगे। तो 11 कंटिन्यूस ब्लॉक अगर फ्री हो गए तो कहीं ना कहीं हम उसको दूसरे फाइल को इंसर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट व्हाट द नीड ऑफ कॉम्पेक्शन। यहाँ पे रिकलेक्ट करने पड़ेंगे हमें जो स्कैटर्ड ब्लॉक है, सो दैट दे कैन बी यूज रीयूज आई कैन से कैन बी रीयूज अगेन। तो ये भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। उसके बाद इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ फ्री स्पेस एज इट रिक्वायर्ड ओनली कंटिग्यूस ब्लॉक्स, तो जैसे कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर अगर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफिकल्ट है स्पेस फाइंड करने के लिए। तो ये उसके डिसएडवांटेज है, इट मे बी डिफिकल्ट टू हैव द फाइल ग्रो, मतलब फाइल की ग्रो अगर करनी है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे 0 1 2 तरफ एक फाइल अगर है उसकी लेंथ है 3, अगर इस फाइल की लेंथ अगर मुझे लेट्स से 10 करवाना है तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या कंटिग्यूस 10 ब्लॉक फ्री है। सो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 ही ब्लॉक है जो कि कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तो मैं इस फाइल F1 को ग्रो नहीं कर सकता, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो डिफिकल्ट रहेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सर्च इट द स्पेस वेयर द फ्री इज अलोकेटेड एंड दैट ब्लॉक टू बी शिफ्टेड to somewhere else, so that contiguous blocks to be present for that file, whatever the file we are wanted to insert. So ये कहीं ना कहीं उसके disadvantages है। So I hope guys कि contiguous allocation method आपको समझी होंगी, जो कि file access के बारे में है, जिसमें whatever the blocks are available that contiguously allocated to that particular file, so that the access and other things can be happen properly. Thank you so much for watching this video. Thank you.